हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम शर्मिला है और आज मैं झारखंड की एक और रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम चरपा है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। तो चलिए बनाते हैं चरपा। तो इसके लिए मैंने एक कप चावल लिया है, ये लगभग 200 से 220 ग्राम है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये आप चावल देख सकते हैं, ये मोटी वाली चावल है और जो इडली बनाने के लिए यूज़ होता है। आप घर का कच्चा चावल भी ले सकते हैं, जो घर में खाते हैं अरवा चावल जिसको बोलते हैं। इसे मैंने अच्छे से साफ़ करके इसे 3 से 4 पानी से धोया पहले, उसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसे भिगो लिया। आप देख सकते हैं, हम इस तरीके से जब नाखून से करेंगे तो चावल हमारे इस तरीके से टूटने लगे, मतलब कि हमारा चावल अच्छे से फूल गया है। इसके बाद हम इसे पीसेंगे, तो पीसने के लिए मैंने इन चावलों को मिक्सी के जार में डाल दिया। पानी मैंने एक्स्ट्रा सभी निकाल दिए हैं, सिर्फ चावल को डाला है। इसी में मैं एक प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरीके से कट करके इसमें डाल रही हूँ। आप चाहिए तो अलग से इसे कट करके डाल सकते हैं। हरी मिर्च को, प्याज को इसमें पीस के अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एक प्याज को पीस के डाला है। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करूँगी और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा क्योंकि इसका गाढ़ा ही बैटर बनाना रहता है। इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये गाढ़ा ही बैटर है। इस तरीके का हमें पीस के लेना है, बारीक पीसना है, बहुत ज़्यादा अब मोटा नहीं रखिएगा, चावल हमारा एकदम बारीक रहेगा। इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल के रख रही हूँ जिसका यूज़ मैं बाद में करूँगी, एक्स्ट्रा नहीं हो जाए इसके लिए मैंने साइड में रखा है, अगर यूज़ में आया तो मैं इसमें डालूँगी। इसके बाद एक प्याज मैंने बारीक काट लिया है, थोड़ा सा धनिया काट लिया है, इसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये चरपा वेज और नॉन वेज दोनों बनता है, आज हम नॉन वेज वाला बनाने जा रहे हैं चिकन का। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहिए तो इसे भी चावल के साथ पीस सकते हैं अदरक और लहसुन को। इसके बाद मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसमें 1/2 चम्मच के आसपास गया था। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर इसमें डाल रही हूँ मैं। इसी के साथ 1/4 चम्मच ही मैंने यहाँ पे काली मिर्च भी डाला है, काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच ही गरम मसाला पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा चरपा में। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम धनिया का पाउडर। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है। अगर हरी मिर्च से तीखापन आ जाता है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 300 से 350 ग्राम चिकन का कीमा। अगर चिकन का कीमा आपका बहुत मोटे हैं तो आप इसे मिक्सी में थोड़ा पीस लें या फिर चाकू से काट लें। मेरे पास इस तरीके का है, ना ही ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला, इसी तरीके का रहता है। आप चिकन के कीमे के जगह पे मटन का कीमा यूज़ कीजिए क्योंकि ट्रेडिशनली वही यूज़ किया जाता है और वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इसका बनाया है, ये बहुत ही अच्छा लगता है इसका भी। चावल हमारा जो बचा हुआ था एक्स्ट्रा मैंने साइड में रखा था, उससे मैं थोड़ा थोड़ा मिलाते जा रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग तेल डाल सकते हैं जो भी आप खाते होंगे तेल। उसके बाद इसे मैं फिर से वापस से मिक्स कर लूँगी, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जितना भी चावल हमने रखा था सभी यूज़ हो गए, और थोड़े थोड़े पानी डाल के मैं इसे हाथों से मिक्स कर दे रही हूँ। अब हमें क्योंकि थोड़ा सा और पतला चाहिए था इसलिए मैंने इसमें पानी मिक्स किया है। इसके बैटर को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाता है, 4 से 5 चम्मच आएगा ये बस, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। इसे ढक्कन लगा के हम 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, आप चाहिए तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। 1/2 घंटा हो गया है, चरपा का बैटर रेडी है। आप अगर चावल भिगो के यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा बन जाता है। इस टाइम पे आप एक आलू को भी कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं या फिर उबाल के मैश करके इसमें मिला सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसे पकाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक तवा लिया है लोहे का, उस पर मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल के इस तरीके से फैला लिया है। तवा हमारा गर्म है, फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा, हाई पे इसे नहीं पकाइएगा, नहीं तो चरपा आपका जल जाएगा और चिकन हमारा अच्छे से पकेगा नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हमारा चरपा का बैटर। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कलछी का यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना बड़ा आपको बनाना होगा उतना आप बैटर डाल दो और इस तरीके से इसे फैलाते जाओ। ये चरपा मोटा ही रहता है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, मोटा ही होता है,
तो आप इस तरीके से मोटा ही फैला लें, और फ्लेम को इस समय आप लो टू मीडियम ही रखें, नहीं तो फिर आपका चरपा जलने का डर है। और इसे हम ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट के बाद जब हम पलटेंगे तो एक साइड से पका हुआ रहेगा, ऊपर से भी थोड़ी सी हार्ड रहेगी, देख रहे हैं इस तरीके का कलर आ जाना चाहिए। दोबारा से भी हम ढक्कन लगा के इसे पकाएंगे 2 मिनट के लिए। इसे पकने में 3 से 4 मिनट आपको कम से कम लगेगा एक चरपा को। इस तरीके से जब दोनों साइड से ये गोल्डन हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें बहुत ही अच्छे से इसे पकाना है। चरपा हमारा बन के रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये गोल्डन कलर आ गया। ऊपर से क्रिस्पी रहता है, अंदर से सॉफ्ट रहता है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप मटन के साथ बनाइए, चिकन के साथ बनाइए, या फिर इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप चटनी के साथ खाइए या फिर किसी करी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। नाश्ते में खाइए या फिर डिनर में खाइए, आप इसे इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन में ऑल बटन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।